फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्या में। देखिए, इसमें हाई कोर्ट आरओ की आंसर की डिस्कस करेंगे हम आपको, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और ढेर सारे जीएस के क्वेश्चन हैं। जीएस में अभी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसमें ये चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे हम जीएस का भी यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे मिलते रहे। तो दोस्तों देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम कंप्यूटर का डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें डार्ट मैट्रिक्स, डेजीबिल, लेजर, ये प्रिंटर होते हैं और कुछ यूट्यूब चैनल पे इसमें लेजर प्रिंटर को दिया जा रहा है, तो बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें लाइन होना चाहिए, प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेटिव लैंग्वेज एक्सएमएल में, देखिए इन्होंने जिसका भी पेपर है वो उन्होंने गलत मारा है, इसमें होता है एक्सटेंसिबल, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा निर्देश का कंटेंट रखता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनका इसमें दे रखा है आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उदाहरण को कंट्रोल सूचना का वहन करता है, तो ये कंट्रोल बस हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका पूछा गया ओपीसी का फुल फॉर्म है, तो देखिए ओपीसी का इसका आंसर डी हो जाएगा, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका एट हो जाएगा आपका, ठीक है, किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुकीज़ वगैरह, पहले आप बहुत डिलीट करते थे, तो ये इसी चीज़ का था कि किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए। पावर पॉइंट में प्रस्तुति में क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रह तो उपयोग करने के लिए तैयार। नेक्स्ट है आपका किसका उपयोग मोबाइल धन, ठीक है, की पहचान करने के लिए किया जाता है, MMID हो जाएगा। मोबाइल फोन में IMEI कोड में क्या होता है, ई क्या होता है, तो ई होता है आपका इक्विपमेंट होता है, इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा ई कॉमर्स पे का व्यापार लाभ नहीं है, तो ठीक है इसका अगर आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, उच्च प्रारंभिक लागत। नेक्स्ट प्रिंट यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, डेटा सॉर्ट करने, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन दो चार को छोड़ के काफ़ी आसान आए थे, आपके कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए इसका आंसर फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका रीड ओनली हो जाएगा, नहीं राइट ओनली हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ता को किसी वस्तु को हटाने की अनुमति नहीं देती, तो ये राइट ओनली हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, NEFT हो जाएगा, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए स्टार और रिंग में अभी कंफ्यूजन है, मैं इसको देख के बता देता हूँ आपको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये स्टार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में, ये काफ़ी आसान था, तो कंट्रोल प्लस N हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड के लिए, तो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिवार्य का व्यपरीतर पूछा है, तो ये वैकल्पिक हो जाएगा। कर्तव्य निष्ठा कैसे लिखा जाता है, ये आसान था, तो ये देख लीजिए कर्तव्य निष्ठा, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। फूल का हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, फ्लावर्स की श्रेणी में रोज, सनफ्लावर, आपके ढेर सारे फ्लावर थे, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन था इसमें, तो देखिए इसमें पहाड़ आंसर मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, आप अगर इसको गलत है आपको सही आंसर पता हो तो आप कुछ मेंशन कर सकते हैं इसमें टाइप करके। देखिए ये जो पैराग्राफ था इसका आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा आंसर। ये देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मार करके भेजा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में कि सर इसमें दिखाना होगा या हटाना होगा, तो मुझे दिखाना हटाना अभी भी कंफ्यूजन है, मेरे अकॉर्डिंग तो दिखाना होना चाहिए इसमें आंसर। पुलिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, तो ये जो गुस्सा है ये पुलिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है उच्चारण का है, तो उत धन चारण हो जाएगा, हलंत लगेगा इसमें। नील कमल कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें घड़ों पानी पड़ना तो शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है चिराई में, तो सर के रूप में पूछा तो चीर हो जाएगा। रहीमन पानी राखी है, तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा, ज्येष्ठ का जो हो जाएगा वो जेठ हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, तर्कस, तीर, म्यान, तलवार, ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट आपका इसमें डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप 815 आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था गोलकार गोलाकार मेज के आसपास में, तो देखिए इस तरीके से आकृति बनेंगी, यहाँ पे ये आकृति इस हिसाब से आप मिला सकते हो, इसे पहला वाला जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसमें चार आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आएगा प्रूडेंट। प्रूडेंट में देखिए बेसिकली इसका जो मतलब था ये था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दो शब्दों के बीच में उतना ही गैप है जो इतना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच में होता है, तो वही उन वर्डों को बताना था या उन वर्डों को काउंट करके बताना था। तो ये तीन वर्ड हो जाएंगे, आर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये पहला न तो एक न तो दो निकलते हैं, ठीक है अपने अकॉर्डिंग मत लगा दीजिएगा। ये जो मैंने बताया ये सही है, काफ़ी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इसमें है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाक्स का कोड क्या होगा। देखिए वाक्स का कोड कंफर्म नहीं निकल पाएगा, इसलिए ही और का, ठीक है, इसका जो कोड है इन दोनों में से आएगा, तो दोनों अपर्याप्त है, इसका वाला डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो आंसर आ जाएगा 128 का, इसमें सॉस आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स पेपर मिलने के बाद मैं थोड़ा सा बिजी था और मैंने काफ़ी क्वेश्चन मतलब जो डाउट में थे इन्होंने किया था उसको मैंने कर करके निकाला है, इस वजह से थोड़ा सा देर से आपको तीनों चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। ब्रेकिंग को इस तरीके से BESC करके लिखा जाता है, तो मदरली को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए IUPNFSMZ, मतलब सी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसको किया कैसे है इन्होंने, तो इस तरीके से किया है, बगल में मैंने करके दिखा दिया है इसमें। नेक्स्ट आपका 130 का जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 131 है, तो 131 का आंसर सी हो जाएगा। वोकेबुलरी के शब्दों का प्रयोग करके, तो केबल नहीं बना जाए, CABLE नहीं है इसमें, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ये सॉरी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला, तो ये आपका WC बनर्जी हो जाएगा। गदर आंदोलन तो पता ही होगा कहाँ आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1853 बॉम्बे से ठाणे, ये भी आसान था, शायद जूनियर सिटीजन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति जो थी इनकी, झांसी राज को हड़पने के लिए किया गया था, तो सबसे पहले सतारा को किया गया था, हड़पा गया था, तो इसी के लिए इन्होंने लाया था। नेक्स्ट है आपका जो दांडी मार्च हुआ था, देखिए बेसिकली आपको बता दें कि वो जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, कानून नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना था, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी प्राप्त करना है, ये इसमें नहीं था, ठीक है। तो इसके थ्रू आप देख लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग शायद यही आंसर सही होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये हुंडी का जो है अभी भी ये डाउट में है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होगा बाजार जहाँ सामान की अदला बदली, बार्टर सिस्टम ये इसके थ्रू किया जाता था। देखिए लोकप्रिय रूप से प्राचीन नाम भारत के नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था ये भारत पे और ये किया था पूरा। देखिए मुद्रा राक्षस, सॉरी मुद्रा राक्षस बोल रहे हैं, मुद्रा राक्षस न्यूमिस्मेटिक्स इंग्लिश में देखेंगे तो आप सही कर लेंगे इसको। देखिए जो 168 का आंसर है, रैयत गांव में राजस्व मांग जमा को बांट देते थे, ये बिल्कुल गलत है, इसमें गलत वाला आंसर ही भी पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, यहूदी धर्म इंडिया का बेसिक धर्म नहीं है, गैर भारतीय धर्म है। चंद्रगुप्त के मंत्री जो कौटिल साहब थे, तो ये अर्थशास्त्र लिखे थे, कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ये पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में होता है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ये संगम से थे। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, ये सही सीरीज है इसकी। ये वाला आंसर देख लेते हैं इसमें, देखिए ये सरोजिनी नायडू बन जाएगा भारत के पहले गवर्नर, प्रांत के गवर्नर उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय से कैसे निर्धारित किए गए हैं, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और इसका न्यायपीठ जो है आपका लखनऊ में, ये आपको पता ही होगा। खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, तो बाक्साइट कांच बालू चूना पत्थर में रिकॉर्डिंग यही होगा। नेक्स्ट ये है बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो दुधवा आमनगढ़ और पीलीभीत, ये तीन आंसर होंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 139 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए मुरादाबाद में चमड़ा नहीं था, देखो कानपुर और मुरादाबाद एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया गया इसमें, आप देख सकते हैं, तो दूसरा चौथा आंसर सही हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मिर्जापुर भदोही खमरिया इसमें है, कालीन आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403+1 403+1 403+1 कई सारे वीडियो में बता चुका है, यूपी स्पेशल में बताया हूँ मैंने, इसमें देख सकते हैं छत्तीसगढ़ हिमाचल पंजाब झारखंड, ये आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है देख सकते हैं आप इसका। और नेक्स्ट है इसका उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, तो ये वाराणसी हो जाएगा। चार सिंह सीरो वाला शेर जो हो जाएगा आपका सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय, और ये एकमात्र रिफाइनरी जो आपका मथुरा में है, जिसे आपका जो वो है क्या जो आपका ताजमहल है, उससे दिन ब दिन रंग बदरंग होता जा रहा है इसकी अकॉर्डिंग।
तो दोस्तों ये थी पूरी मतलब अभी कुछ जीएस का क्वेश्चन बचा हुआ है, वह अपने ग्रुप में भेज दूंगा या तो फिर उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना दूंगा। अभी 8-10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं, मैं इनको निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं भेज देता हूँ। लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।